बाहर से आप बैंकिंग चैनल के जरिए रकम पाकिस्तान में भेजते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं, ये बुनियादी आर्गुमेंट था मखदूम अली खान साहब का। यहां पर दो इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो आपके इलम में लाना जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जो हमारी दलील थी, हमारा आर्गुमेंट ये था कि हुसैन नवाज साहब जो है वो 2005 में सब कुछ बेच चुके हैं बकौल उनके, और वो पैसे वो हसन नवाज साहब को दे चुके हैं कारोबार के लिए। तो ये अरबहा रुपया जो हुसैन नवाज साहब सऊदी अरब से पाकिस्तान भेज रहे थे, ये उनके पास कैसे आया? इसके ऊपर मखदूम अली खान साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा, और वो कह रहे हैं कि बाद में जब वकील आएंगे वो बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पैसे हुसैन नवाज साहब के पास कहां से आए। अगर हम एफआईए की रिपोर्ट को देखें, अगर हम इसहाक डार साहब के एफिडेविट को देखें, स्टेटमेंट को देखें जो उन्होंने दी थी, अगर हम बीबीसी की फिल्म को देखें, तो इस सवाल का जवाब बड़ा वाजे होकर सामने आ जाता है। खेस्ता खान और मेस्ता खान नाम के दो हवाला डीलर्स पिशावर के इस्तेमाल किए गए, उनके जरिए अरबों रुपया पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, और फिर वो पैसा रेमिटेंसेस के जरिए पाकिस्तान वापस लाया गया। और मखदूम अली खान साहब जो वकील हैं नवाज शरीफ साहब के, वो कह रहे हैं कि इसकी तहकीकात अदालत नहीं कर सकती। टेक्निकलिटीज जिस तरह से कल से हमने देखा, इस्तेहकाक है, इस्तस्ना है, अदालत ये नहीं कर सकती, ये आर्गुमेंट्स हैं नवाज शरीफ साहब के वकील के। लेकिन अदालत आर्टिकल 184(3) में ये करार दे चुकी है कि ये पटिशन मेंटेनेबल है, और जब अदालत ये कह चुकी है तो फिर तमाम इंक्वायरी भी अदालत करने की मजाज है। और ये मामला कि ये अरबों रुपए बाहर कैसे गए और वहां से वापस कैसे लाए गए, एक अहम जुज्व है इस मामले का। इसके साथ एक और लतीफा हुआ, और वो लतीफा ये है कि मरियम नवाज शरीफ बीबी ने कल ये डिपेंड अपनी एक रिप्लाई जमा कराया है, जिसमें उन्होंने फरमाया है कि वो अपने वालिद साहब की नहीं, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नहीं, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वालदा यानी अपनी दादी के डिपेंडेंट है, वो उनके घर में रह रही हैं। और नवाज शरीफ साहब की वालदा नवाज शरीफ साहब की डिपेंडेंट है। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह के लतीफे और किस तरह के आर्गुमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिए जा रहे हैं। यानी नवाज शरीफ साहब की वालदा नवाज शरीफ साहब की डिपेंडेंट है, और नवाज शरीफ साहब की बेटी नवाज शरीफ साहब की वालदा की डिपेंडेंट है। इस तरह की दलीलों से, इस तरह की गुफ्तगू से ये केस जो है वो इस वक्त चल रहा है। अब जब ये मुकदमा वापस शुरू होगा तो मखदूम अली खान साहब से जज साहब ने बार बार ये इस्तदा की है, ये कहा है कि आप अपने आर्गुमेंट्स आज ही मुकम्मल करें। और ये इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं साबित हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान को यकीन हो चला है कि जो पैनामा पेपर्स में इल्जामात भी तरीके इंसाफ के लगाए हुए नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्कैम ICIJ ने दिया, उसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट वो एक्सरसाइज कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तमाम फ्रीकैन को जो है वो मुकम्मल एतवार होगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि परसों इमरान खान साहब ने यह मशवरा दिया था नवाज शरीफ साहब को कि वो डिवोर्स ना जाए, क्योंकि वो जब करप्शन एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब जाके बात करेंगे तो पाकिस्तान की जग हंसाई होगी। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म ने, नवाज शरीफ साहब ने मशवरा नहीं माना, कल वो डिवोर्स गए, और वहाँ पर स्पीकर्स ने, वहाँ पर जो इंटरनेशनल स्पीकर्स आए हुए थे, बैनुल अक्वामी स्पीकर्स आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि पैनामा पेपर्स दुनिया में करप्शन की एक नई दास्तान है, एक नया राज है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इसके एक अहम प्लेयर हैं।
तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग घसाई हुई है पाकिस्तान के वजीर आजम के वहां जाने से, और एंटी करप्शन के ऊपर उनका बात करना ऐसे ही है जैसे अल्ताफ हुसैन टेररिज्म के ऊपर बात करें। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनको वापस आना चाहिए, मुकदमे के ऊपर तवज्जो दें। इस मुकदमे के बाद जो है वो फिर अगली बातें जो है वो खुलेंगी इंशाल्लाह। ये मुकदमा जल्द कंक्लूड होगा और पाकिस्तान के लोग जिस इंसाफ की तवक्को कर रहे हैं वो उनको मिलेगा जी।